आचार्य जी, कई लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है जी। लेकिन कई लोग इसे मिथ्या बताते हैं। लेकिन अगर हम अपने वेद पुराणों की बात करें, अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, तो क्या पुनर्जन्म होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल ज्योति जी, इस तरह से हम अगर रामायण की चर्चा करें या श्रीमद् भागवत की चर्चा करें, तो भागवत के शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही धुंधकारी कथा आती है, और ये माना जाता है कि इस कथा के बिना पूरी भागवत अधूरी मानी जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो धुंधकारी एक तरह से एक आत्मदेव ब्राह्मण है जो संतान के लिए तरस रहे हैं कि संतान हो जाए, लेकिन नहीं होती है। फिलहाल एक दिन मन में बनाया कि जाकर के हम जंगल में आत्महत्या कर लेते हैं। वहाँ गए, एक संत के दर्शन होते हैं, संत ने एक भगवान का नाम लेकर के एक फल दे दिया कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। फल घर लेके आए, पत्नी को दिया कि पत्नी ने उसको ग्रहण नहीं किया, नहीं खाया। क्या किया उसको? गाय को दे दिया, और स्वयं अपने बहन के बच्चे को पाल रही थी। बाद में दोनों बड़े बच्चे बड़े हुए, गाय ने बच्चे का जन्म दिया जिसका नाम रखा गया गोकर्ण, और स्वयं जो बहन के बच्चे को पाल रही थी उसका नाम रखा गया धुंधकारी। तो धुंधकारी और गोकर्ण दोनों बड़े हुए, ताकि ये माना जाता है कि हाँ दोनों बच्चे मतलब आत्मदेव पंडित जी के ही हैं, ब्राह्मण के ही हैं। लेकिन एक विख्यात होता है, एक कुख्यात होता है। जो विख्यात हुआ वो गोकर्ण था, जो कुख्यात हुआ वो धुंधकारी था। धुंधकारी ने अपनी माँ के बहुत सताया, बाप को बहुत सताया, और अंत में कुछ महिलाओं ने उसको मार करके और घर में ही गाड़ दिया। बाद में भूत बना और महाभयंकर प्रेत बना। उसके सगे भाई जो कि गोकर्ण जी थे, गोकर्ण जी ने उसका उद्धार करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब पुनर्जन्म हुआ यानी भूत बना, अब उद्धार कैसे होगा? उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यानी उसका पाठ उसके लिए किया, और उसका पुण्य जब इकट्ठा हुआ तो पुण्य के माध्यम से ये हुआ कि वो उसी गति होती है। राजा नृक की कथा आती है भागवत में, वहाँ माना जाता है कि राजा नृक भी गौदान के माध्यम से, कुछ ब्राह्मणों का श्राप भी लग गया था उनके ऊपर, इस वजह से उनको भी पुनर्जन्म हुआ जी। तो क्या हुआ? वो गिरगिट बने, कथा भागवत की है। गिरगिट बने, भगवान कृष्ण के दर्शन से पुनः भगवान श्री कृष्ण का ही रूप उनको मिला, ऐसी कथा आती है। एक कथा आती है भागवत में ही है, जो एक राजा हैं, राजा के बाद में उनका नाम पड़ा जड़ भरत, और जड़ भरत ही मृग बने, कथा आती है पुनर्जन्म की। और मृग क्यों बने? क्योंकि बहुत सरल थे, बहुत शांत थे, मृग बने, और मृग के बाद दोबारा जन्म उनका हुआ तो वह भी जड़ भरत ही बने। राजा रघुगण कथा आती है, उसमें यह आता है कि जड़ भरत भी इतने तीन जन्म के ज्ञानी थे, और तीन जन्म का ज्ञान भी था उनको। काक भुसुंडी जी रामायण में अपने आप को कहते हैं कि मुझे तो 27 कल्प बैठे हुए गए कैलाश मानसरोवर की तलहटी में, और हमें पूरे सभी जन्मों की कहानी पूरी याद है। तो ये कथा पुनर्जन्म होता है ये सत्य है, क्योंकि हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। आज भी होता है, आज भी किसी व्यक्ति को देखिए आप जिसको कभी ना मिले हो, आप पहली बार मिल रहे हो, आपके मन के अंदर आवाज आती है कहीं तो देखा इसको जी, कई बार होता है, कई बार होता है, कहीं देखा है, कहीं तो मिले हैं। ये सूचना कौन देता है? ये सूचना मन में नहीं है, ये सूचना आत्मा दे रही होती है, क्योंकि आत्मा का मिलन कहीं ना कहीं उससे हुआ है, किसी जन्म में हुआ है, कुछ शेष है, वो संकेत दे रहा होता है। इसका मतलब आत्मा सच्ची होती है, अजर है, अमर है, इसको कोई रोग नहीं होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, किसकी? आत्मा की। इसलिए वो संकेत दे रही होती है कि जिस व्यक्ति के सामने तुम बैठे हो, इसको देख रहे हो, इससे किसी जन्म में मुलाकात हमारी हुई है। तो पुनर्जन्म कहानी कुछ इस तरह ज्योति जी होती है, वो थोड़ा समझने का विषय है और शास्त्र को पढ़ने का विषय है।